जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश अपने YouTube चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूं। हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा की अब तक की सफर में आपने देखा कि हम लोग मुंबई से निकलकर न्यालम तक पहुंचे। कैलाश मानसरोवर यात्रा की पार्ट 3 के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे कि हम लोग न्यालम से निकलकर पर्यांग सागा तक की यात्रा करेंगे, तो यात्रा का आप आनंद लीजिए। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि ये थर्ड पार्ट में हम लोग आपको कैलाश मानसरोवर की एक झलक दिखाएंगे, पर पर्यांग सागा तक का रास्ता बहुत ही लंबा होने की वजह से, पर बहुत ही खूबसूरत होने की वजह से और रास्ते में बहुत ही अच्छे लैंडस्केप जो आपको दिखाए बगैर हम नहीं रह सकते हैं, इसके लिए हम लोग हमारा ब्लॉग का समापन पार्ट 3 का ये पर्यांग सागा तक ही करेंगे। आशा है कि हमारा ये सफर आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आपको आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। न्यालम से निकलते ही बर्फ से ढके पहाड़ हमें दिखने लगे। आज रास्ता बहुत लंबा होने वाला है और खूबसूरत भी, एक जगह पे जहाँ पर कुदरत की सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी थी, वहाँ हमारा काफिला थोड़ी देर के लिए रुक गया। ओम नमः शिवाय। दूर पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की गोदी में एक छोटा सा सुंदर तिब्बतीयन गांव हमें दिखाई दिया। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर यह सुंदर नज़ारा देखकर वहीं रुककर इन कुदरती नज़ारों को अपने कैमरों में कैद करने लगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप भी इन कुदरती नज़ारों का आनंद लीजिए। वहाँ से निकलते ही रास्ते में आते हुए एक तिब्बतीयन गांव की झलक देखिए।
आगे चारों ओर किनारों पे बर्फीले पहाड़ थे और बीच में वीरान सा लेकिन भव्य लैंडस्केप और लंबा रास्ता हमें हमारी मंजिल की और करीब लेके जा रहा था। अभी हम रुके हैं, वह दुनिया का सबसे ऊंचा पास नेमला पास है। यहाँ हाई अल्टीट्यूड और ऑक्सीजन की कमी हमें स्पष्ट महसूस हो रही थी। हवा में लहराते प्रार्थनाओं के झंडे, जो कि तिब्बत की विशेषता है, इसे और सुंदर बना रहे थे। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके। इतने ऊंचे पास पर भी हमें यहाँ एक तिब्बतियन वस्तु बेचने वाला मिला, जिसके पास यहाँ की विशेषता जैसे बीड्स से बनी हुई सब वस्तुएं, मालाएं वगैरह थी। यहाँ से हम फिर से आगे निकल गए लंबे और वीरान से रास्तों में मंजिल के और करीब बढ़ते हुए, मन में कैलाश दर्शन की अभिलाषा के साथ। अभी तक रास्ते बहुत ही अच्छे थे, पर बीच बीच में कुछ कच्चे रास्ते भी है कि जहाँ पे रास्ते बन रहे थे। दूर दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा तिब्बतन गांव दिखाई दे रहा था। न्यालम से निकलने के बाद हरे भरे पहाड़ तो गायब ही हो गए थे, कहीं भी एक भी हरे पेड़ नजर नहीं आ रहा था। पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया, वीराना सा लेकिन शांत और भव्य, जैसे कि महादेव ने वैराग्य धारण किया हो, सब कुछ त्याग करके प्रकृति में भी वही वैराग्यता दिखाई दे रही थी।
कहावत है कि मंजिल के आनंद से भी ज़्यादा सफ़र का आनंद होता है, लेकिन हम जिस सफ़र पर निकले हैं उसकी मंजिल का तो क्या कहना। सफ़र का तो आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां साक्षात शिव अपने परिवार के साथ बसते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने की दिल में जो उत्कंठा थी, हृदय में जो प्रार्थना थी, उसका आनंद तो क्या कहने। हृदय में महादेव के दर्शन की तीव्र लालसा लिए आप भी हमारे साथ इस सफ़र का आनंद लेते रहिए। ओम नमः शिवाय। आपस कहीं कहीं पथरीले रास्ते आ रहे हैं। हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वो परियांग गांव सामने दिख रहे बर्फीले पहाड़ों की गोद में है। इन बर्फ से ढके पहाड़ों की सुंदरता का तो क्या कहना है। तो आप भी देखते रहिए वो सुंदर नज़ारा। न्यालम से निकलते वक्त टूर ऑपरेटर ने खाना बनाकर साथ में लिया हुआ था, जो रास्ते में हमने एक जगह रुककर खाने का होल्ड किया। लेकिन वातावरण की विषमता की असर हम सब पे दिखाई देने लगी थी, इसीलिए खाने की ज़्यादा रुचि नहीं थी तो जूस पी लिया था। और ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण बात करने में भी कष्ट हो रहा था। सफ़र की थकान सभी में साफ दिखाई दे रही थी। हमको लगता है कि हमारी अब तक की यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे का सफर कैलाश मानसरोवर यात्रा पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैलाश मानसरोवर पहुंचकर वहां के दर्शन आपको कराएंगे, और वहां एक छोटा सा रुद्राभिषेक हम लोग ने किया वो आपको भी दिखाएंगे।
जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।